कांग्रेस एक के बाद एक बीजेपी सरकार को घेरती जा रही है। 2019 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस उतने ही तेजी से बीजेपी सरकार को घेर रही है। सड़क पर पड़े गड्ढे हो या बढ़ती महंगाई हो, कांग्रेस ने किसी मुद्दे को छोड़ा नहीं है। इस बार राफेल विमान घोटाले के विरोध में मुंबई कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा फैशन स्ट्रीट से आजाद मैदान तक हजारों की संख्या में निकला। इस मोर्चे की खास बात ये थी कि राफेल विमान बना के उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का मुखौटा लगाकर दो लोगों को बैठा कर ये मोर्चा निकाला गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। संजय निरुपम ट्रक में चढ़कर लोगों को बीजेपी सरकार के घोटालों का चिट्ठा खोल रहे थे, तो वहीं हजारों लोग उनके पीछे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो मोर्चा है राफेल घोटाला के खिलाफ है, बल्कि राफेल विमानों की पाप यात्रा है। ये पाप यात्रा हमने इसलिए निकाली है क्योंकि 526 करोड़ रुपए का जो राफेल था वो 1670 करोड़ रुपए में सरकार खरीद रही है, वो भी जो फ्रेंच कंपनी है उससे हमको जानकारी मिलती है, भारत सरकार छुपा रही है। तो ये नरेंद्र मोदी का घोटाला है, रक्षा मंत्री का घोटाला, और ये घोटाला तब कर रहे हैं जब उनके साथ खुद रिलायंस डिफेंस के मालिक अनिल अंबानी उनके पार्टनर बन के इसमें शामिल है। तो दो एक सरकार के पैसे से एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का जो षड्यंत्र होता है, उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने के लिए यह मोर्चा, यह प्रदर्शन हम लोगों ने आज रखा है। आज का जो मोर्चा है ये मोदी सरकार का निषेध के लिए मोर्चा है। जो राफेल का डील हुआ, डील में कांग्रेस के टाइम में जो डील हुआ था उसमें 526 करोड़ रुपए का राफेल विमान का तय हुआ था। अब 3 साल में क्या हो गया, 1670 करोड़ रुपए का उसका प्राइस बढ़ गया। और प्राइस बढ़ा इतना ही नहीं, जो डील हुआ मोदी के नेतृत्व में डील हुआ उसका पूरा जिम्मेदार ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जिस कंपनी ने 12 दिन के पहले रजिस्ट्रेशन किया, वो कंपनी का कामकाज कैसा है, उनको अनुभव कैसा है, उसको प्लेन बनाने का, हवाई जहाज बनाने का, या मिलिट्री का राफेल विमान बनाने का उसके पास कोई सबूत नहीं, कोई अनुभव नहीं। 12 दिन पहले रजिस्टर होती कंपनी और उसके 7 दिन होते और बाद में अनिल अंबानी बोलता है कि हम ये भारत सरकार का कुछ नहीं, यहाँ का कुछ नहीं। तो सरकार ने गारंटी देने बगैर उसके 7 दिन हो नहीं सकता। और ये 7 दिन में जो कुछ काला हो गया उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है, वो डिफेंस मिनिस्टर को साथ में लेते नहीं, खुद ही सब करते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर उनका सहार ना कर रहे, बोल रहे कि नहीं नहीं सब बराबर होगा, बराबर हो गया तो क्यों नहीं, क्या क्या है उसमें, उसमें गुप्त क्या है, उसने सब जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। और कीमत का तो हमारे टाइम में भी कीमत का बोले थे पार्लियामेंट में, तो अभी उसमें छुपाने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये छुपाने का काम एक ही है कि इसमें उनका काला धंधा या मोदी जी जो है चौकीदार है उसमें भागीदार है। ये 2019 की तैयारी नहीं है, ये हम लोग जो है जो मोदी सरकार ने इतना बड़ा हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ में जो विश्वासघात किया है, आज हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं इन सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ में बेईमानी हुई है इसका हम खुलासा करना चाहते हैं।
जो चीज 500 रुपए की है अगर वो 1500 रुपए में खरीदी जाएगी तो वो जनता का ही नुकसान है, किसी दूसरे लोगों का, किसी सरकार का नुकसान नहीं है, ये जनता का ही नुकसान है। जो कांग्रेस सरकार के दौर में जो चीज़ 500 रुपए में खरीदी जाती थी अब वो 1500 रुपए में खरीदी जाती है तो वो जनता का ही नुकसान है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से आज इस विभाग में मुंबई में भारी मात्रा में लोग रस्ते पे उतरे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 2012 कांग्रेस सरकार ने 2012 में जो विमान 526 करोड़ में खरीदा था वही विमान इन्होंने 2015 में 1670 करोड़ में उन्होंने खरीदा है। और वो जो संरक्षण मंत्री है वो सरासर झूठ बोल रही है। और ये 36 विमान का जो घोटाला हुआ है उसमें 41,000 का घोटाला हुआ है, इसकी मांग राहुल जी ने लोकसभा में की थी लेकिन उसके ऊपर कोई भी उन्होंने आंसर नहीं दिया, उसका उत्तर नहीं दिया। इसके लिए इस देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने किया है तो ये बीजेपी सरकार ने किया है। इसके ऊपर, इसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस आज रास्ते पर उतरी है और मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो ये घोटाले की जांच हो और जो दोषी है उसके ऊपर अंदर डालने का काम करे।